हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने कोई JRF का एग्ज़ाम जैसे CSIR, UGC या DVT क्लियर किया हुआ है और वो PhD करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक CSIR की लैब है जिसका नाम है IGIB, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। वहाँ पर PhD प्रोग्राम अगस्त 2023 के लिए फॉर्म्स आ चुके हैं और जो यहाँ पर रिसर्च टॉपिक हैं वो जीनोमिक्स एंड जीनोम एडिटिंग, जीनोम इन्फॉर्मेटिक एंड डाटा साइंस, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़, RNA बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, स्किन बायोलॉजी, ज़ेब्राफिश डेवलपमेंट बायोलॉजी, स्टेम सेल बायोलॉजी, केमिकल एंड सिस्टम बायोलॉजी, ये सारे रिसर्च टॉपिक वहाँ पर हैं जिस पर आप PhD कर सकते हैं, ठीक है। और जो फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 20 मार्च है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लिंक दिया हुआ है, जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा जिसे आप भर करके अपना जो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन है, जरा हम लोग उनके भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो ACSIR का पोर्टल है वहाँ पर जा करके रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि जब आप ये वाला फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको ACSIR का एप्लीकेशन नंबर फिल करना होगा। वो तो आप तभी गेन कर पाएंगे, ऑब्टेन कर पाएंगे जब आप ने ACSIR की साइट पर जाकर के फॉर्म को फिल किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ACSIR का लिंक दिया गया है जिससे आप जाकर के ACSIR की वेबसाइट पर फॉर्म को भर सकते हैं और वहाँ से आपको ये जो ACSIR का एप्लीकेशन नंबर है वो मिल जाएगा, ठीक है। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो जो आपका मास्टर डिग्री है और इंटर डिग्री है उसमें आपका 60% होना चाहिए, ठीक है। जो इंटर क्लास है उसमें आपका 60% होना चाहिए और जो उसका CGPA जो परसेंटाइल होता है वो भी आप पता कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में 60% होना चाहिए उन स्टूडेंट के लिए जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और वे स्टूडेंट जो SC ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनको मास्टर में 55% होना चाहिए और ट्वेल्थ में भी, ठीक है। BTech ब्रांचेस के जो स्टूडेंट हैं उनको एटलीस्ट 60% चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है कि आपके पास में कोई नेशनल लेवल की फेलोशिप होनी चाहिए, जैसे CSIR, UGC JRF या DVT JRF या ICMR, ये आपके पास होना चाहिए। और वे स्टूडेंट जिनका केवल गेट स्कोर कार्ड है वे इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बी फार्मा या BTech या BE के जो स्टूडेंट हैं जिनके पास JRF गेट JRF फेलोशिप है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज जो है वो 20 मार्च 2023 तक 28 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी एज जो है वो 28 साल के ऊपर जा रही है 20 मार्च 2023 तक, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ जो ST ST या OBC कैंडिडेट हैं उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ACSIR की वेबसाइट है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। जो ACSIR का नंबर आपको मिलेगा वो आप फर्स्ट कॉलम में फिल करेंगे और जो आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है उसका साइज़ जो है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिटेल ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्क्स, सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, थर्ड कॉलम में आपको ये सब फिल करना है। उसके बाद में फोर्थ में आपको फेलोशिप डिटेल भरनी है और जो फिफ्थ नंबर है उसमें आपको क्या करना है, फीस पे करना है, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 1000 रुपये है और जो OBC SC ST कैटेगरी के लिए हैं उनके लिए 500 रुपये फीस है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक रिसर्च प्रपोजल भी ब्रीफली एक रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करना है या लिखना होगा जो आपके कोर्स जो PhD में आप जो कोर्स ऑप्ट करेंगे उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल में क्या लिखना है। द रिसर्च प्रपोजल डज नॉट हैव टू बी रिलेटेड टू द योर वर्क विल एक्चुअली डू इन द PhD। ये जो रिसर्च प्रपोजल आप लिखेंगे वो आपके PhD वर्क से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। द प्रपोजल विल बी यूज टू एवेल्युएट योर साइंटिफिक एप्टीट्यूड। जो प्रपोजल आप लिखेंगे वो आपका साइंटिफिक एप्टीट्यूड किस तरह का है उसको एवेल्युएट करने के लिए लिखाया जा रहा है। द प्रपोजल शुड एड्रेस दिस पॉइंट। जो प्रपोजल आप लिखेंगे उसमें ये पॉइंट होने चाहिए, जैसे प्रपोजल का टाइटल क्या है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं, वाट इज़ नॉट नोन और क्या आपको नहीं पता है, ठीक है, हाउ डू यू एम टू सॉल्व इट, और जो प्रॉब्लम आपने फाइंड किया है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। If needed, you can add a one-page hand-drawn computer-made schematic diagram. और अगर ज़रूरत है आपको तो आप एक handmade या computer-made diagram भी
मतलब ऐड कर सकते हैं उसमें। जो प्रपोजल के जो टोटल वर्ड हैं वो 1500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसमें से जो फिगर है उसको हम लोग हटा दे रहे हैं। द होल प्रपोजल विथ फिगर फाइल शुड बी ए सिंगल PDF। जो आपको प्रपोजल आप जो लिखेंगे उसको और जो फिगर है उनको आपको PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट दी एप्लीकेशन। अब आप इस एप्लीकेशन को फिल कर पाएंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक हियर पे जा करके जो फॉर्म आएगा उसको पूरा फिल करिए। और इस फॉर्म से रिलेटेड आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर इन्होंने अपना IGIB का ईमेल ID दिया हुआ है, वहाँ पर आप मेल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।